जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की जो पॉडकास्ट है, जो वीडियो है, मेरी कोशिश होती है कि पॉडकास्ट जो है वो हमेशा एक प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचाई जाए, एक प्रॉपरली सेट के तौर पे, एक प्रॉपरली डिफाइन के तौर पे, प्रॉपरली वर्क हुई हुई पॉडकास्ट आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तो अभी मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगा उस पर मैं डायरेक्ट आऊँगा, इससे पहले कि मैं फजूल बातों में आगे निकल जाऊँ। लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा मेरी तरफ से डिस्क्लेमर कीजिए, कभी भी इस बात को, इस टॉपिक के अंदर अगर कोई मेरी बात आपकी दिलाज़ारी कर जाए या कोई भी कोई ऐसा मोड़ आए जिससे आपको लगे यार अली गलत है या फिर गलती कोताहियाँ हो रही हैं, तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। राइट्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान एंड इस्लाम, मैं अगर इस पर बात करने लगूँ तो डेफिनेटली जी मैं एक आम इंसान के तौर पर आप लोगों तक अपनी राय पहुंचवाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रहा हूं फेसबुक पे, तब भी मैं जो हूं वो एक होस्ट ही की हैसियत से कर रहा हूं, कोई स्कॉलर नहीं होता हूं मैं। सो या और जहां तक राइट्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान है, तो एक आम शहरी आम चीज़ें जो नोटिस कर रहा होता है उसी की तरीके से मैं अपनी राय आगे आप लोगों तक रखूँगा। जब भी हमारी यहाँ बात होती है इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे उम्मीद है कि आगे शायद मेरे लिए रिश्ते भी ना आएँ और मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन इस पर बात करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो दूसरों को बहुत ज़्यादा कॉपी करती है। हमारी आवाम की एक कोताही है, ख़ास तौर पे आजकल की लड़कियों की भी, कि वो अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान के बाहर के कल्चर को पाकिस्तान में लाना चाहती हैं, जबकि हमारे मर्दों की गैरत इस चीज़ को कभी कबूल नहीं करेगी। लेकिन मैं इस बात को एक आम आदमी की तरह यस और नो में करके नहीं उड़ाऊंगा, मैं एक पूरी बात आप लोगों तक सामने रखूँगा। जब भी इस टॉपिक पर बात होती है दो लफ्ज़ आते हैं, फेमिनिस्ट, फेमिनिज़म। डिस्कस कर लेते हैं फेमिनिस्ट क्या होता है। फेमिनिस्ट हमेशा वो होता है जो सपोर्ट करता है फेमिनिज्म को या फिर उसका हिस्सा होता है, ये होता है फेमिनिस्ट। ठीक है जी, अब आती है बारी फेमिनिज्म की, जिसको हम समझ लें। फेमिनिज्म एक्चुअली में कहा जाता है इक्वालिटी को, जो औरतों पर डिस्कस की जाती है। फेमिनिज्म लफ्ज ही जो है वो फीमेल से निकला है, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि ये एक ख़ास तौर पर औरतों के लिए ही एक मुहिम है कि जी फेमिनिज्म, और औरतों के लिए ही एक मीनिंग है फेमिनिज्म, क्योंकि औरतें चाहती हैं, लड़कियां चाहती हैं, फीमेल्स चाहती हैं मर्दों की मुखालिफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन चाहती हैं कि जी इक्वालिटी हो, जो लड़के कर रहे हैं बराबरी हो, अगर साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो हर चीज़ बराबर हो। लड़के अगर पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो हम भी पैंट शर्ट पहने, लड़के अगर अभी इस पर खुलकर अब हम बात करते हैं और सही से लेंगे, मतलब कह के लेंगे, डिस्कस करते हुए बात करेंगे और क्या लेंगे यार। वीडियो राइट्स ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान एंड इन इस्लाम। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं, ये डिफाइन किया हमने अभी इस चीज़ को, फेमिनिस्ट को और फेमिनिज्म को। अब हम बात कर लेते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी पे जब हम आते हैं तो देखिए जी, लड़कियों से मेरी ख़ास तौर पर गुजारिश है, अगर देख रही हैं वीडियोज़ फिर आप पूरी इक्वालिटी लेकर आएँ। पूरी क्वालिटी से मुराद है कि हमारी लड़कियां जो हैं वो चाहती हैं कि जी हमें लिविंग रिलेशनशिप्स अलाउ किए जाएं, हमें फ्रेंड विद बेनिफिट्स अलाउ किए जाएं, हमें बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर विद बेनिफिट्स अलाउ किए जाएं, हमें एक शौहर का होते हुए दूसरे के साथ दोस्ती बनाकर बेनिफिट्स के साथ अलाउ किया जाए, हमें दिल लगियाँ अलाउ की जाएँ, हमें इश्क का मजाक उड़ाना अलाउ किया जाए, हमें जो है वो अब खुल के एक बात करेंगे, चूँकि अब जब इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया है तो खुल कर एक बात करेंगे, इससे पहले इसलिए मैंने कहा था कोई बात बुरी लगे तो माजरत। हम चाहती हैं, लड़कियां चाहती हैं कि जी ब्रा पहनकर और पैंटी पहनकर वो घूमें पाकिस्तान के अंदर, इस तरीके का कल्चर एक्चुअली में ये चाह रही हैं। पर इक्वालिटी, मैं एक बात इनको बताना चाहूँगा कि इक्वालिटी इसे नहीं कहते, जिसे आप फेमिनिज्म का नाम ले रही हैं उसे इक्वालिटी नहीं करते कहते, क्योंकि आप चाह रही हैं बाहर का कल्चर इस मुल्क में आ जाए तो वो गैरत नहीं बर्दाश्त करेगी या मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएंगे या रेप होंगे, इस पर मैं बाद में आता हूँ, वो एक आवाम की सोच है। बात पहले आती है कि क्या आप बैंक की लाइनों के आगे खड़े होकर अपने शौहरों को भेजना बंद करेंगी, क्या आप खुद खड़े होकर 10-10 घंटे लाइनें बाहर लगाएंगी, क्योंकि यहाँ पर तो लड़के देखते हैं और कहते हैं लड़कियाँ
लेडीज फर्स्ट, वहां ऐसा बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता। फिर आप इक्वालिटी बराबर की लाएं। क्या आप शोहर को बाहर बेच के टंडे आलू मंगवाना बंद करेंगी और खुद जाके लेकर आएंगी, घंटे घंटे लाइनों में लगेंगी? फिर मजा आएगा ना, इक्वालिटी तब मजा आएगा। क्या आप लोग भी लड़कों के रेप करेंगी? करेंगी, इक्वालिटी में तब मजा आएगा। क्या आप लोग भी लड़कों के साथ BDSM करेंगी? तब मजा आएगा। क्या आप लोग भी लड़कों के साथ जो है वो चार लड़कियां आके एक लड़के को रेप करके और उठा के लेके जाएंगी? तब मजा आएगा। मजा एक्चुअली में तब आएगा, मतलब हम जैसे कह रहे हैं ना, इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब एक्चुअली में ये है, लड़कियां जॉब करना पसंद नहीं करती। ये इस्लाम भी कहता है कि औरत घर के लिए बनी है। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहों पर डिफाइन हुआ है। औरतों को दो चीज़ें, या तो कोई मजबूरी में करती है, उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, और करना चाहिए भी, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं करें, करना चाहिए। हम मुल्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम माशरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बट कुछ औरतें हैं जिनको काम करने का शौक नहीं है और उनको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो बाहर निकल के काम करती हैं। करें, मेरी इसमें भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो क्यों करती हैं ये जान लें। वो इसलिए करती हैं क्योंकि हमें इक्वालिटी दिखानी है। ये जो आपके दिमाग में एक फतूर भर चुका है ना इक्वालिटी, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा फिर इक्वालिटी बराबर की लेकर आएं, इक्वालिटी मर्दों की तरह ख्वार होकर लेकर आएं। आपने ये तो सुना होगा कि माँ 9 महीने बच्चे को पेट में गोद में रखकर पालती है, आपने ये नहीं ये भी देखा होगा, और औरतें उस पोस्ट के ऊपर बड़ा लाइक्स वगैरह कर रही होती हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि मर्द किस तरह बूढ़ा हो जाता है फिर भी अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए क्या मेहनतें मुशक्क़तें काट रहा होता है और किस तरीके से घर को और अपने आप को पाल रहा होता है, अपना पेट काट कर दूसरों को खिला रहा होता है। बीवी पेट काट कर जो है वो बच्चा रख रही होती है, तो वो पेट काट कर उस सबको पूरा कर रहा होता है, तो पेट दोनों के कट रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग जी, तो ये इक्वालिटी पे ही अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ये तो हो गई, यदि चार लड़के आए फिर चार लड़कियां भी आए, हर चीज़ एक बराबर की होनी चाहिए। अब बारी आ जाती है इक्वालिटी इन इस्लाम, क्योंकि और भी लड़कियों की एक मज़ेदार बातें होती हैं कि जी मर्दों को हुक्म है कि अपनी निगाहें नीची रखें, तो औरतों को भी हुक्म है कि हया का पर्दा रखें, अपने अंदर हया का पर्दा रखें, अपने शर्मगाहों को या फिर ऐसे अज्जा जहाँ से शर्मगाह की तरफ बंदे का दिल माइल हो, उनको जो है वो वाजे ना होने दें। औरतों के लिए तो ये तक है कि जी अपने कहते हैं ना, हाँ, कि अल्लाह ताला ने कहा है, इरशाद फरमाया है कि जी अगर मैं अपने अलावा किसी को सजदा करने को कहता तो वो मैं शोहर को कहता कि शोहर को सजदा करो, पर नऊज़ु बिल्लाह शोहर को सजदा जायज़ नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा जायज़ नहीं है, सिर्फ हम अल्लाह को सजदा कर सकते हैं। बट यहाँ तक भी बात है, यहाँ तक भी है कि हमने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है, तो हम लोग तो वो कुछ नहीं कर रहे। हाँ, अब बात आ जाती है उन मर्दों की, क्योंकि ये वीडियोस देख के मर्द बड़े उछल जाएंगे कि अरे हम मर्दों के पास भी ये हुक्म नहीं है कि बाहर जाके औरतों के ऊपर एसिड फेंकें, मर्दों के ऊपर भी ये हुक्म नहीं है कि आप औरत के ऊपर हाथ उठाएं, मर्दों को भी हुक्म नहीं है कि आप औरत के हुकूक के साथ खेल खिलवाड़ करें। मर्दों पे मैं आऊँगा, आप टेंशन नहीं लें, अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होता मैं नेक्स्ट वीडियो, यकीन है मेरा वादा है कि मैं मर्दों पे ही बनाने वाला हूँ। बट या सो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को अर्ज़ करता चलूँ, हमारा मुआशरा फिर आगे नहीं चलेगा। आप कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, ये मुआशरा फिर आगे नहीं चलेगा, ये गिर जाएगा मुआशरा, बहुत बुरी तरीके से गिर जाएगा। क्योंकि हमारे दिलों में, हम चाहे कितने ही जिनाकार हों, हम चाहे कितने झूठ बचाड़ हों, लेकिन हमारे दिलों के अंदर इस्लाम और इस्लाम की तख्लीक और इस्लाम की डिटेल्स जो हैं और इस्लाम की मोहब्बत जो है वो कहीं ना कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए ज़िंदा है। तो खुदा का वास्ता है, ये मर्द मर जाएंगे या फिर औरतें मर जाएंगी, क्योंकि गैरत जो चीज़ होती है ना, गैरत, वो मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि औरतें चड्डे पहन पहन के घूम रही हैं। मैं आपको एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, अच्छा ये एक गैरत है। आप किसी नॉन मुस्लिम लड़की को देख लोगे ना, आप कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक मुसलमान मुसलमान को देखेगा ना, वो पागल हो जाएगा, ये क्या हो। तीसरी चीज़ जी, जो कि लोग कहते हैं जी रेप्स हो रहे हैं, उसके रीजंस क्या हैं, जो कि रेप्स पाकिस्तान के अंदर होते हैं, या फिर वही वाली बात कि मर्दों को अपनी निगाहें नीचे रखनी चाहिए, शर्मगाहों की हिफाजत करनी चाहिए, जो कि है, इस्लाम कहता है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी एक चीज़ आ जाती है। तो ठीक है, अब देखें जी, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी एक रिसेंटली दुआ मंगी का केस आया, जिसमें मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि लोग, हमारे मर्द पागल हैं,
मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हमारे मर्द पागल हैं क्योंकि हमारे मर्दों के अंदर शऊर मिट चुका है, हमारे मर्दों के अंदर दिमाग नहीं है। हम जाहिल तो हैं ही हैं, हम पढ़े लिखे भी जाहिल हैं क्योंकि हमने कुरान पढ़ा है, हमने कुरान समझा नहीं। औरतों को भी मैं यही कहूँगा, मर्दों को भी यही कहूँगा, क्योंकि औरतें तो ये जितनी मैंने बातें की अपनी जहालत का सबूत दे रही हैं, मर्द उससे बढ़कर दे रहे हैं, मर्द उससे बढ़कर दे रहे हैं। मर्द 40 साल का मेच्योर आदमी अपनी मेच्योरिटी शो कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। उस बंदी के साथ कुछ हुआ नहीं हुआ, उस बंदी के साथ किडनैप करके ले गया जो भी था, ऐसे ऐसे कमेंट्स, ऐसे ऐसे रिव्यूज कि जी लड़की ने पैंट पहनी हुई थी इसलिए उसके साथ ये हो गया, यहाँ मर्द गलत है। और यहाँ मैं ऐसी चीज़ कभी भी नहीं करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं मर्दों में शामिल हूँ, मैं कहता हूँ मैं गलत हूँ। यहाँ हम गलत हैं कि आप एक लड़की कुछ भी कर रही है, आप अपनी निगाहें नीचे कर लें। अब वो फिर लड़कियाँ गुनाहगार हैं, डेफिनेटली हैं, खाली मर्दों को हुक्म नहीं है, फिर आप लोग सबसे ज़्यादा गुनाहगार हैं। लेकिन मर्दों को भी हुक्म है जी कि तालियाँ दोनों हाथों से बजती हैं, आप अपनी निगाहें नीचे रखें, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से भी होता है, देखें ताली दोनों हाथ से बजती है। कभी कभार ऐसा होता है लड़की अपनी निगाहें, लड़का अपनी निगाहें नीचे रखा हुआ है, शरीफ बंदा है, लड़की इस तरीके की ड्रेसिंग करके आती है या कुछ भी इस तरीके की बातें करती है जिससे लड़के की जो नफसानी ख्वाहिशात हैं वो ऊपर को पहुँच जाती हैं। और ऐसा लड़कों के साथ भी होता है कि जी लड़की बड़ी हया पर्दे वाली है, या तो वो आवारा घर का है तो बुरखे वाली लड़की को भी छेड़ेगा वो, या फिर वो जो है वो लाइनें देगा, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ करेगा जिससे हमारा मुआशरा बिगड़े, क्योंकि औरत हमारे मुल्क में कमज़ोर तो पाई जाती है, ये देखा गया है, जिसका मर्द जो है वो बड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं, जबकि औरतें कमज़ोर होती नहीं हैं, लेकिन उनको तरक्की करने नहीं दी जा रही। लेकिन तरक्की किस तरीके से नहीं दी करनी जा रही जी, तरक्की का औरतें मतलब पहले दुरुस्त कर लें। तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ आए तो शॉर्ट्स पहनकर और इस तरीके से करें, तरक्की का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता इक्वालिटी करना। तरक्की का मतलब ये होता है कि आप अपनी एजुकेशन के थ्रू, आप अपने काम के थ्रू आगे जाएं, मर्दों से मुकाबला करें, उसको कहते हैं तरक्की करना, इसको नहीं कहते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ बात टोक कर जो बोलूँगा, हमारा इस फेमिनिज्म, हमारा इस मुआशरे को बर्बाद करने में जो सबसे बड़ा हाथ है, झूठ कहते हैं वो लोग, मीडिया का हाथ है। मैं होस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। और इस बात पे भी मैं आऊँगा कि जी लड़कियाँ बोलेंगे हम तो आप लोगों को फॉलो करते हैं, हम तो मॉडल्स को फॉलो करते हैं, मैं इस पर आता हूँ। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा कसूर जो है ना वो बिकना उस स्कूल का है, वो द एजुकेटर्स का है, वो द सिटी स्कूल का है, नखला स्कूल्स तक का भी हो चुका है, ये सब काम है। और ये खाली चार नहीं है, बहुत से। को एजुकेशन अच्छी है, मैं बुरा नहीं कहूँगा, मैं इस फील्ड का बंदा हूँ, मेरे लिए हर चीज़ बराबर है, मैं ना तो ज़्यादा वो हूँ ना ज़्यादा वो हूँ, बट मसला हमारे स्कूल्स का ही है, क्योंकि माँ बाप भी जाहिल हैं। उसकी वजह यह है, माँ बाप को पता है कि हम अपनी औलाद को पढ़ने लिखने के लिए भेज रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, वो क्या पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन तब भी वो वही कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, सकून से देख रहे होते हैं हमारी औलादें क्या कर रही हैं। तो ये तो माँ बाप का कसूर, स्कूल्स का कसूर ये है कि जो टीचर्स अपने आप को माँ सम्मान कहलाती हैं, वो माँ सम्मान नहीं, वो जहालत की बांध हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप उन स्टूडेंट्स को तरजीह दे रहे हैं, और जिस तरीके की आप उनके साथ बातें कर रहे हैं, जिस तरीके की आप उनको छूट दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। लड़के लड़की आपस में बात कर रहे हैं, ये कोई मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने स्कूल्स के अंदर माहौल देखा है जाकर, और एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने उसके अंदर जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीच करी थी, तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो थैंक यू जी उनका कि उन्होंने हमें मौका दिया वहाँ पर आने का, बट प्लीज़ अपना माहौल को थोड़ा सा दुरुस्त करें आप, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं चलेगा। और तमाम यूनिवर्सिटीज़, ये सबसे बड़ा कसूर है, ये सबसे बड़ा कसूर है कि जी कसूर की बच्ची के साथ जो रेप हो रहा है, ये है सबसे बड़ा कसूर इन चीज़ों का, ये कि आप तालीम नहीं, आप हैवानियत सिखा रहे हैं लोगों को। पहली चीज मैंने पहले ही अर्ज किया था और अभी भी कर रहा हूं, अगर कोई बात बुरी लगे तो माजरत, अगर बुरा लग रहा है ज्यादातर औरतों को लगेगा, आई नो आप वीडियो छोड़ के जा सकती हैं। फिर आ जाते हैं जी अपनी बात टीवी मीडिया लाइन की तरफ। टीवी मीडिया लाइन की तरफ जब हम आते हैं तो लोग कहते हैं जी मॉडलिंग को देख देख के हम इंस्पायर होते हैं, आप लोगों को देख के हम इंस्पायर होते हैं, आप लोग कर रहे हैं ऐसा तो हम आपकी तरफ आ रहे हैं, लड़कियां हम आपको देख के शॉर्ट्स पहन रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप दीपिका पादुकोण को या प्रियंका चोपड़ा को देखकर पहन रही हैं तो फिर आप इंडिया जाएं, पाकिस्तान में ये कल्चर बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ अरे भाई हम आयशा उमर को देख के पहन रही हैं हम इनको, लेकिन सबसे पहली चीज या तो फिर आप मॉडल बन जाएं, ठीक है। जिस तरीके से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जिस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल किया, जिस तरीके से और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, करें, इक्वालिटी पे आए, करें। मर्द जिस तरीके से मार खाते हैं, उसी तरीके से औरतें भी इस फील्ड में मार खाती हैं, तब जाके इज्जत के साथ इस फील्ड के अंदर ऊपर अपना नाम बनाती हैं,
आए करें क्वालिटी, तब आकर आप बोलें, तब आपके साथ चार गार्ड्स भी होंगे, तब आपके साथ वीगो भी होगी, तब आपके साथ रेंजर्स बाउंसर्स भी होंगे, आप उस टाइम पर देखता हूं कौन लड़का आपकी मर्जी के बगैर आपको जो है वो हाथ भी लगाता है, नहीं लगाएगा ना, क्योंकि आप तो स्टार होंगी, फिर उस स्टार तक बनने के बाद आप ये काम कीजिएगा, तब पहले वहां तक तो आए, आए पहले आप वहां तक। हम बातें करते हैं, मर्दों को निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया गया है, बात सुने जी मेरी। इस तरीके से इस्लाम में आंखों का भी जिना है, ये हाथों का भी जिना है, बहुत सारे जिना है, मना किए गए हैं हमें, लेकिन हम करते हैं, हम सबसे ज्यादा करते हैं, मीडिया वाले हमें एक्ट करना होता है, लेकिन वहीं ये भी कहा गया है कि अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम है, हुकूकुल इबाद में जरूरी है कि हम बंदों से भी माफ़ी मांगें, लेकिन हुकूकुल्लाह शायद जो है वो अल्लाह ताला हमारे माफ़ कर दें अगर वो चाहें तो, हमारे किसी नेक अमाल के थ्रू। तो हम ये सब भी कर रहे होते हैं इनमल अमाल व नियत की वजह से, कि अमाल का दारोमदार बेशक नियत के ऊपर है। बट आप लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आएं स्ट्रगल करें, यहाँ तक पहुँचे, स्टार बने सबसे पहले, फिर आकर आप यहाँ, फिर आप कपड़े ही ना पहने, लड़कियों से अर्ज कर रहा हूँ, लड़कों से भी अर्ज कर रहा हूँ, पर आप कपड़े ही ना पहने, फिर सही है, फिर मैं बोलूँगा भाई ये एक हैं, मैंने अपने थिएटर शोज किए, मैं 17 साल का था तो मैं एडल्ट थिएटर शो में था, आप आएं करें मज़ा आएगा, तब एक क्वालिटी को छोड़ें, तब एक फ्री लाइफ में वहाँ बैठी हुई बन, आप डॉक्टर रही हैं, मॉडल्स को देख देख के आप ये हरकतें अपना रही हैं, आपके पास वो सिक्योरिटी है जो मॉडल्स को दी हुई होती है, आपके पास वो सिक्योरिटी है जो हम लोगों के पास होती है, कि आप लोग फिर बोलें कि जी हम तो मॉडल्स को देख के टीवी मीडिया से ख़राब हुए हैं, और लड़के आपको ये कर रहे हैं और लड़के वो देख रहे हैं, और फिर अलग जंग के लड़के अपनी निगाहें नीचे रखें, लड़कियां अपने आप को पर्दे में रखें, लड़के उधर से भौंक रहे हैं, लड़कियां इधर से भौंक रही हैं, इस तरीके से नहीं होता। मॉडल्स को देख देख के आप ख़राब हो रहे हैं, फिर आए इसी फील्ड में आए आप, अगर आप को ये फील्ड भी बुरी लग रही है तो फिर इस फील्ड को चुने भी नहीं, फिर इस फील्ड को अपनाए भी नहीं, फिर हाँ इस फील्ड में बहुत सारी ऐसी अदाकाराएँ हैं, ऐसे अदाकार हैं जिनको लोग जो है वो प्रस्यू करते हैं, जिनको देख के लोग हया के पर्दे में भी रहते हैं, और जिनको देख के लोग अपने फैशन स्टाइल भी बवक्तन आगे बढ़ाते रहते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, आप उनको फॉलो करें। फिर मैं कोई नहीं कहूँगा कि कोई बुरी है कोई अच्छी है, लेकिन देखें ये जो मिसाल आ जाती है ना कि जी मीडिया ख़राब कर रहा है, हम उनको फॉलो करते हैं इस वजह से हम, तो फिर ये बहुत सारी आज मैं बातें सामने रख रहा हूँ, तो ये बड़ा एक गलत बात है, इसको ज़रा काबू में रखें आप लोग, थोड़ा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। बस यही कर्ज़ करूँगा मैं आप लोगों से, और मेरी क्या औकात कि जी मैं आप लोगों से कोई आगे बात करूँ इस तरीके की। मेरी राय की तरफ जब आते हैं तो मेरी राय में देखें जी, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से अर्ज़ करूँगा कि फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, इक्वालिटी का मतलब है, फेमिनिज्म बुरा नहीं है, फेमिनिस्ट बुरा नहीं है, ये बात मैं क्लियर करता चलूं कि फेमिनिज्म भी बुरा नहीं है, क्योंकि इनका मतलब है कि फेमिनिस्ट का मतलब है फेमिनिज्म को सपोर्ट करने वाला, और फेमिनिज्म का मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब कहीं हरगिज ये नहीं आता कि आप नंगे हो जाएं या आप सेक्स करेंगे तो आप इक्वल होंगे, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं आता, इक्वालिटी का मतलब है कि आपको दूसरी सेक्स ओरिएंटेशन से इक्वल रहना है तो फिर आप वो हरकतें करें। अब जिस तरीके से मर्द अच्छाई कर रहे हैं आप भी अच्छाई करें तब मज़ा आएगा जी, इक्वालिटी असल इक्वालिटी का मतलब। हाँ अगर आपको जहालत वाली इक्वालिटी अपनानी है तो उसके लिए फिर आप सारी चीज़ें करें, आगे मर्दों के रेप करें, मज़ा आएगा ना, आई विल लव इट, आए मेरा रेप करें, लड़कियाँ आके मेरा रेप करें, आई विल लव, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मज़ा आएगा भाई मुझे, आए पर मज़ा पूरा लेना, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर ये चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ थी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, ना मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, आप पैंटीज पहन के घूमे कुछ भी करें, मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, कहीं से मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट मर्दों से मेरी एक गुजारिश है कि अपनी निगाहें नीचे रखें, औरतों से मेरी गुजारिश है कि जी आप शॉर्ट कपड़े पहनकर किसी इंसान का दिल नहीं दुखा रही हैं, बस बल्कि आप अल्लाह की खिलाफ मर्जी कर रही हैं, सो इस तरीके से करें कि अल्लाह ताला भी बाद में आपकी नेकियों के थ्रू ही आपको माफ़ कर दे, क्योंकि ये भी कहीं हुक्म नहीं है कि आप अपने आप को चार दीवारी में और बुरके वुरके बंद करके रखें, ये भी कहीं हुक्म नहीं है, होगा या नहीं है ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं है, सो बस ऐसे रहें कि जी अगर आप गला भी खोल रही हैं अपना तो इस तरीके से रखें कि जी आप अपने लिए तैयार हों, दूसरों के लिए नहीं हों, आप अपने लिए तैयार हों, और जब इंसान अपने लिए तैयार होता है तो एक नॉर्मल वे में तैयार होता है, वो ना तो अपने आप सोचें, अगर पूरी दुनिया में कोई ना होता, सिर्फ एक बंदा होता, सिर्फ एक, और वो एक लड़की होती या एक लड़का होता, वो ना तो अपने आप को बुरखे में पैक करता, क्योंकि उसको पता है कि जी कौन देख रहा है, मतलब कौन मेरे को हाथ लगा लेगा, ठीक है जी। और दूसरी चीज़,
ना तो वो जो है वो अपने आप को जो है वो पूरा खोल खाल के आ रहा होता, ऐसा भी नहीं है। क्यों? इसकी भी एक वजह है, क्योंकि उसको पता है मैं अपने आप को कितना भी फैशन कर लूँ कोई क्या देख रहा है, मैं अपने लिए बस तैयार हो रहा हूँ। सो आप अपने लिए तैयार, बीच का रास्ता मियाना रवि इख्तियार करें। अगर मेरी कोई बात, और मैं फिर एक बात कहूँगा जी कि आजकल फेमिनिज्म के नाम पे ये भी चीज़ें धब्बे लगने शुरू हो गए हैं कि जी बीवी जो है वो 10 बॉयफ्रेंड्स बना रही है, बॉयफ्रेंड्स जो हैं वो 6 लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, और 6 लड़कियां जो हैं वो 10 बॉयफ्रेंड्स फॉर बॉयफ्रेंड हैं उनके, और एक लड़की के 10 बॉयफ्रेंड हैं, 10 बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं, 10 फ्रेंड विद बेनिफिट्स हैं, और 100-200 तो दोस्त हैं, और 10-12 लड़कियाँ जो कि अच्छी हैं, और 50 लड़कियाँ जो उस लड़की को और ख़राब कर रही हैं। तो ये इस दायरे से ज़रा बाहर आ जाएँ खुदा का वास्ते आपको, वरना ये माशरा आगे चल के चलें। फॉर एग्जांपल हमारी ये जनरेशन जो चल रही है, आप भी आगे जाके कहीं सेटल हो जाएंगी, मैं भी आगे जाके कहीं सेटल हो जाऊंगा, सब सेटल हो जाएंगे, हमारी जो आने वाली नस्लें होंगी ना उनका सोचें, फिर वो फिर हम परेशान हो रहे होंगे कि यार अगर फॉर एग्जांपल मेरी बेटी है, हम यही माशरा लेकर चलते रहे, आगे जाते जाएंगे लोगों के दिल से वफा की डोरी कट जाएगी, बेवफाई भर जाएगी, फिर हम आगे जाके सोचें जब हमारी बेटी होगी फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको कहाँ रिश्ता दूंगा, मैं उसको कहाँ बोलूँगा, मैं उसको उसके बारे में कहाँ सोचूंगा, क्या बोलूँगा मैं उसको कि यार मतलब लड़का तो वो बेवफा निकलेगा, फिर मेरी बेटी के साथ लड़का बेवफा निकलेगा, फिर और लड़के बेवफा, और लड़के बेवफा, तो फ़ायदा नहीं है। एक नॉर्मल सी बात है, मेरी बेटी की आपकी बेटियों की ज़िंदगी फिर बर्बाद, जो आगे आने वाली नस्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारी आगे जनरेशन चलेगी, हमारा बेटा होगा उसकी भी लाइफ बर्बाद, लड़की इधर से उधर, उधर से इधर, तो खुशियाँ तो फिर ख़त्म हो जाएंगी, फिर क़यामत का दौर आने वाला है, नफ्सा नफ्सी एक दूसरे की दुश्मनी यही शुरू हो जाएगा। तो खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, इन चीज़ों से ज़रा बाहर आएँ, थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा कोशिश करें कि इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकल के दुनिया के बारे में देखें, कि आगे के बारे में सोचें। आगे के बारे में सोचना बुरा नहीं होता, कौन कहता है बुरा होता है, थोड़ा सा आगे के बारे में सोचें कि हम जो कर रहे हैं क्या उसका इम्पैक्ट आगे हमारे पर अच्छा पड़ेगा या कुछ नेगेटिव पड़ेगा। कोई बात सच में, अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों तक जो है वो अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को दिल आज़ारी कर गई हो, या फिर आप लोगों को बुरी लगी हो, तो मैं मेरी एक राय थी ये, मैं उसके लिए दस्तबरदस्ता आप लोगों से माजरत करता हूँ कि माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो आप लोगों से इंशाल्लाह फिर किसी प्लेटफॉर्म के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।